हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब बस इस साल के केवल 2 दिन बचे हैं। आज है 30 दिसंबर और 25 दिसंबर के बाद मैं आज अपना फ़ोन पकड़ के सोच रही हूँ कि चलो कुछ बना लेते हैं, थोड़ा बहुत वीडियो जो भी है। तो फिलहाल आप लोगों को पता होगा कि मैंने दिखाया हुआ है कि मैं मम्मी के लिए चेन लेने गई थी, तो उसमें कुछ नोटिफिकेशन होना था, इस वजह से मैं उस दिन नहीं ला पाई थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज लेकर आते हैं चल के। और अभी मेरी एडवांस ITT जो मैंने फॉर्म फिल किया था, वो भी वीडियो आप लोगों ने अगर देखा होगा तो बताया था कि वो स्टार्ट होने वाली है। वो पहले 20 से थी, लेकिन फिर वो पोस्टपोन होकर 28 से हो गई थी। तो अभी मेरी स्टार्ट हो चुकी थी सुबह 9:30 बजे से, तो इस वजह से जी अलार्म लगी है। सबके साथ की प्रॉब्लम होगी वैसे, इतना सुबह मतलब अचानक से उठना पड़े तो नहीं हो पाता है। 8 बजे की अलार्म लगी है, 8:15 की लगी है, फिर भी मैं 8:30 बजे तो जल्दी से नहा धो के बस 9 बजे निकलना पड़ता है। थोड़ा दूर है यहाँ से तो आधा घंटा तो लग जाता है आराम से, और एकदम एग्जैक्ट टाइम पे भी पहुँचना रहता है। यहाँ तक कि मैं तो कुछ बना खा भी नहीं पाती। सुबह इतनी ज़्यादा सर्दी लगती है कि मन ही नहीं करता कि किचन में जाओ या कुछ भी, बस केवल नहा लो और निकलो। तो वही मैं सोच रही थी कि हेयर वॉश कैसे होगा। मैं 2 दिन से अपनी फ्रेंड से बोल रही थी मुझे हेयर वॉश करना है, तो वो कह रही थी यहाँ से जाना जब 4 बजे तब कर लेना। तो मैंने कहा 4 बजे भी शाम हो जाती है और सुबह 8 बजे भी मतलब ठंडा रहता है इतना ज़्यादा, तो मॉर्निंग में तो बिल्कुल नहीं। तो खैर आज हो गई थी छुट्टी, क्योंकि कोई फैकल्टी मतलब जो पढ़ाने आते हैं वहाँ पे टीचर, तो वो नहीं अवेलेबल होंगे, तो इस वजह से आज ऑफ था। तो मैंने हेयर वॉश कर लिया है अपना। इतना मतलब आलस में हूँ कि पता नहीं सुबह से क्या ही किया। पहले बहुत लेट सो कर उठी, फिर उसके बाद ऐसे बैठी रही फ़ोन में देखती रही, और थोड़ा सा काम था वो किया, वही ITR फाइल करना था। लोग अभी तक आ रहे हैं, मतलब अब बस केवल 2 दिन बचे हैं 31st, उसके बाद बिलेटेड रिटर्न भी नहीं जाएगा। जितने लोगों को फिल कराना था करा लिया उन्होंने, और क्या, बस सारा दिन ऐसे ही बोरियत में निकल गया है। तो अभी भूख लगी है बहुत ज़ोर की, जा रही हूँ रास्ते में वहीं पे कुछ खा लूँगी। और मेरा अब बिल्कुल भी मन नहीं करता वीडियो एडिट करने का, पता नहीं क्या हो गया, बिल्कुल ना वीडियो बनाने का मन करता ना एडिट करने का मन करता। बनाने का तो एक बार को करता भी है, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या बनाओ क्या मतलब कैसे। तो मैं यही काम करने जा रही हूँ, तो वो आप लोग देखिएगा, बने रहिए ब्लॉग में साथ। और फिर कल चलेंगे एडवांस ITT, कल तो है ही सुबह 8 बजे से। और मेरा मतलब मैं सोच रही थी कि फर्स्ट डे जाऊंगी तो वहाँ पे वीडियो बनाऊंगी, मतलब आप लोगों को दिखाने के लिए कि कैसा क्या रहता है। लेकिन भाई साहब हिम्मत ही नहीं हुई, उठ जाऊँ नहा लूँ निकल जाऊँ यहाँ से, वही बहुत है, वीडियो क्या मतलब कहाँ से बनाए फिलहाल। लेकिन अब स्टार्ट कर दिया, तो कल मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ का क्या रूटीन रहता है और किस किस तरीके से रहता है। कल होगा डे 3, मतलब 2 दिन निकल चुके हैं ऑलरेडी। चलो चलते हैं, पहले तो निकलते ही मुझे दिखाई दिए। तो फिलहाल चलिए चलते हैं, फिर जाके वहाँ पे मिलते हैं। और ये देखिए यहाँ से मुझे मेरी फ्रेंड मिल जाती है, तो मैंने उसे बोला हाँ
क्लास स्टार्ट हो गई थी तो और हम लोगों को पहुँचते पहुँचते 5-6 मिनट लेट हुआ था, बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ था लेकिन 5 मिनट भी बहुत होते हैं। सबका सिस्टम स्टार्ट हो गया था और मेरे सिस्टम को देखिए, इसने पूरा 1 घंटा लिया उस दिन स्टार्ट होने के लिए, खुल ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या हो गया था, सर्दी लग गई थी इसको भी शायद। दिख रहा है सामने ही आ जाओ। और यहाँ की मुझे एक चीज बहुत पसंद है, ये देखिए जादू से पानी आ जाता है। और ये हो गया है ब्रेक। ब्रेक में हम लोगों को यहाँ पे करने रहते हैं सिग्नेचर, तो मैं वही करने आई थी। ब्रेक मतलब लंच टाइम, तो मेरी फ्रेंड जो है वो मेरे लिए खाना लेकर आती है, उसकी मम्मी बना के दे देती है क्योंकि मैं इतना सुबह सुबह तो खाना बना नहीं पाती हूँ तो मुझे भूखे रहना पड़ता है, तो वो आती है तो लेकर आती है। तो ये देखिए वो डेली 2 चाय लेती, मैंने फर्स्ट डे भी रिकॉर्ड किया था बस उस दिन का मैं वीडियो नहीं डाल पाई। और ये देखो मैं टिफिन के ऊपर कैसे चाय रख के ले जा रही थी कि कहीं गिर ना जाए। ये लेकर आई है नमकीन पूरी और सब्जी और ये चाय, और चाय के पीछे भी बहुत कुछ रखा है, पता नहीं किसका, ये डिब्बा डेली रखा रहता ना शुक्ला वाला सोया चाय नमकीन। और वैसे हमने देखा है ज्यादा तब तिवारी और ये यही ज्यादा रहता है ना मिठाई की दुकान, तिवारी वाली ज्यादा रहती। तो चलो अभी हम लोग खाने के बाद खा लेने दो आप लोग भी जाके खा लो। और खाने के बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा सा नीचे तक टहल के आते, तो मैं बस वहीं आई थी नीचे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाया जाए कि मेरा ICAI कैसा है। किसी दिन मौका मिलेगा तो आप लोगों को अंदर से पूरा दिखाऊंगी कि किस किस फ्लोर में क्या क्या। और ये देखो कितने आराम से टहल रही थी, बहुत सारे हैं। कहाँ गया ये देखो। हाँ देखो यहाँ पे है बंदरों का आतंक, और बाहर आना जो है वो अलाउड नहीं है, और हम लोग आ गए क्योंकि यार सर नहीं आए और हम लोग थोड़ा ज़्यादा क्लास के शैतान बच्चे हो गए। ऐसे मज़ा आ रहा है, ठंड देख रहे हो आप लोग कानपुर की कितनी ज़्यादा है। लेकर आई थी सब्जी पूरी और आज मैंने भी ली 2 चाय, इसने भी ली 2 चाय। हम वैसे भी कानपुर नहीं यूपी वाले लोग चाय, यूपी वाले नहीं ऑल इंडिया वाले लोग, मतलब ब्लॉग में देखा मैंने कि सबको चाय बहुत 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 ज़्यादा पसंद होती, चाय करते रहते सब लोग। तो हम लोग ने भी चाय पूरी और सब्जी खा के मस्त सब टहल रहे हैं, मस्त ऊपर जाएंगे फिर डांट खाएंगे जाकर। और फिर मुझे दिखाई दिया ये छोटू सा मंकी, तब प्यारा लग रहा था। हेलो चलो, और बस फिर होगी क्लास हमारी ओवर, तो बस हम लोग जा रहे थे वापस घर के लिए। और रास्ते में मुझे दिखे फ्लावर्स और मैंने सोचा कि चलो आज लास्ट डे है तो 2 फ्लावर्स तो ले ही लिया, तो मैंने अपने लिए 2 फ्लावर लिए, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने लिया एक रेड रोज़ और एक पिंक रोज़ क्योंकि मुझे रोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। हेलो, तो आ गई हूँ मैं अपनी एडवांस ITT से, लेकिन आज है 31 दिसंबर और मेरा कोई प्लान नहीं है कुछ करने का, मतलब मुझे समझ में आ रहा क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए या फिर कहाँ जाया जाए, वैसे कोई ज़रूरत भी नहीं है, आराम से देखो वो रात तक देखते हैं अगर कोई प्लान बनता है तो। फिलहाल तो कोई ऐसा प्लान नहीं है, बढ़िया मस्त बैठ के खाएंगे पिएंगे सोएंगे एज यूजुअल। और एक बड़ी मतलब पूरी क्या मतलब न्यू ईयर की शुरुआत में ही ऐसा हो गया, वैसे क्या होता है कल संडे भी है तो एडवांस ITT जो चल रही है मुझे तो लगा था कि छुट्टी रहेगी, लेकिन छुट्टी नहीं है। ये कितना बुरा होता है, एक तो संडे ऊपर से न्यू ईयर लेकिन नो छुट्टी। सारे बच्चे परेशान होते, सबने बोला सर प्लीज़ 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 एक दिन की छुट्टी कर दीजिए, लेकिन नहीं छुट्टी नहीं की है मुझसे। कल मेरे पापा से भी फ़ोन आया था, वो भी कह रहे थे घर आ जाना, तो उनसे भी मैंने बोला कि अगर छुट्टी होगी तो ठीक है। अब बताओ सुबह 9 बजे जाना रहता है, मतलब 9 बजे पहुँचना रहता है। और पता है जो मैं कल गिफ्ट लेकर आई थी ना वहाँ से काशी ज्वेलर से जो उन्होंने दिया था, वो मैंने ओपन कर लिया और उसका वीडियो भी नहीं बनाया। उसमें निकले हैं वो बाउल्स हैं और सेट टाइप का है कटोरी, तो बस वही निकला। और मम्मी का सामान भी मैं ले आई हूँ और वो आप लोगों को भी, लेकिन अभी मेरा मन नहीं कर रहा है, अभी मैं बाहर खड़ी हूँ, थोड़ी सी धूप तो आज आप लोगों ने देखा ही है, मतलब मैंने बनाया है वीडियो इसीलिए, कितना कोहरा था सुबह, मतलब देख के डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था बस केवल बिस्तर में घुसे रहे निकले ना। वो कितनी मुश्किल से मैं इतनी जल्दी निकलती हूँ, 8 बजे उठ जाओ और फिर उसके बाद तैयार हो नहाओ, इतना ठंडा पानी रहता है हाथ वाथ तो जम जाते हैं एकदम। आप लोग का क्या प्लान है, आप लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, चलो सभी लोग कमेंट करके ज़रूर जल्दी से बता दो कि सबने क्या क्या किया है, क्योंकि ये जो वीडियो आएगा तब तक आप लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर चुके होंगे।
तो इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि आप लोग भी बताना कि आप लोगों ने क्या किया है, कि ऐसा कुछ मेरी तरीके कुछ हुआ है क्या? मतलब मुझे लगा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा कि मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन हो गया तो कुछ कर नहीं सकते, जाना ही पड़ेगा। अगर बस चले तो मैं, मतलब अगर ये कोई कहा जाए कि न्यू ईयर पे आप क्या चाहते हो, तो मैं तो यही कह दूँ मैं फिर से 10th क्लास में पहुँच जाऊँ। आप लोग क्या चाहोगे अगर आप लोगों को मौका मिले तो? और ये भी बता दो सबके न्यू ईयर के रिजोल्यूशंस क्या क्या है। मैं तो यही है कि मैं खूब अच्छे से पढ़ूँ, जो भी काम करूँ मन लगा के करूँ और सीए बन जाऊँ। यही है मेरा सबसे बड़ा रिजोल्यूशन कि पढ़ाई करनी है और बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो बाकी आप लोग अपना बताइए कि आपका क्या रिजोल्यूशन है। चलो अगर शाम तक कहीं चलेंगे तो फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा था क्या किया था, तो मैंने सोचा कि चलो चाय पीते हैं, सर्दी भी है बहुत है, तो मैंने सोचा कि चलो चाय पीते हैं, शाम हो गई है और मुझे घर की याद आ रही थी, घर पे पीयूष बना देता है चाय शाम को, चलो अभी मैं अकेले पी लेती आप लोगों के साथ। मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा देती हूँ, मैंने खोल दिया था डिब्बा, अंदर क्या है मैं आपको दिखाती हूँ ये। और आपको पता है सच में मेरे पास मतलब कटोरी नहीं थी, अब मैं ये मम्मी को नहीं दूंगी, सामान मम्मी का आया है लेकिन यूज इसे मैं करूंगी। बढ़िया दाल चावल, अभी तक आप लोग देख रहे हो जितनी बार भी मैं खाना खाती हूँ तो टिफिन में ही खा लेती हूँ। अब आ गई है मेरे पास कटोरिया फ्री की, तो बस इसी में खाया जाएगा। और जैसा कि आप लोग को बेसब्री से इंतजार होगा, वैसे मैंने आगे भी वीडियो में दिखा दिया कि मैं क्या लेकर आई हूँ, तो मैं लेकर आई हूँ ये है मम्मी की चेन पेंडेंट, मैं दिखा देती हूँ, ये है कुछ इस तरीके का। कैसा लग रहा है? मतलब ये है मेरी पसंद से, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? पता नहीं फोन में कैसा दिख रहा होगा लेकिन सामने से बहुत 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 सुंदर है। और इसमें ये जो है ये नग नहीं लगे, मैंने मम्मी को फोटो भेजी थी तो वो बोल रही थी कि इस पे नग लगे हुए हैं क्या, तो मैंने कहा नग नहीं लगे इसका, इसकी कटिंग जो है वो इतने अच्छे से हुई है कि मतलब एकदम नग वाली शाइनिंग है, तो नग नहीं है, ये प्योर गोल्ड है एकदम। तो फिलहाल मैं उतार के रख देती, काफी ज्यादा महंगा पड़ गया है। और ये देखिए आप एक बार पास से आके इसकी एक बार डिजाइन देखिए, ये चेन की बहुत ज्यादा सुंदर लगी। और ये है इसका पेंडेंट। और एक और काम था, मम्मी के जो मंगल सूत्र है उसमें डलवाने थे मुझे मोती, फिर उनका पहले का है मंगल सूत्र है, तो मैंने ये वाले मोती लगवाए। अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और बाकी अब कल न्यू ईयर है, आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। और अभी कल देखते हैं कि कल क्या करेंगे, वो उसका व्लॉग मैं कल अलग बनाऊंगी कि क्या करने वाले हैं। वैसे तो सबसे पहले तो क्लास जाना है, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे, थोड़ा बहुत कहीं टैलेंट वो भी। ओके बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। और आई विश कि आप लोगों की जो भी विश है 2023 में सबकी विशेष पूरी हो जाए और सब लोग अच्छे रहें, हेल्थ अच्छी रहे, मेंटली ज्यादा अच्छा रहना जरूरी है। ओके बाय। और ये देखो सुबह से मैंने ऐसे मोजे पहन के रखे थे।